हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने जा रहे हैं अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बच्चों, गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ मेथड्स दिए गए हैं, तो हम आज सीखने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स। तो कितने मेथड्स हमें बताए गए हैं गुडविल के अंदर, तो ही हम सीखेंगे क्या मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जी, गुडविल के कितने वैल्यू है, वैल्यू मेथड है फाइंड आउट करने के लिए। गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए आपको तीन मेथड दिए गए हैं। अभी मैं उतार नहीं रहा, तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं। जब मैं उतारूं, जब मैं लिखना बंद कर दूं, तो आप भी लिखना चालू कर बंद कर देना। आइए उतार आप सकते हैं मेरे साथ साथ। मेथड नंबर वन हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, और मेथड नंबर टू का हम नाम देंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। मेथड नंबर थ्री हम बोलेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। हम एक एक बात यहां पर कवर करेंगे कि यह मेथड होता क्या है, कैसे कैसे इस मेथड अपनी अपने तरीके से गुडविल की वैल्यू को कंसीडर करता है। तो हमने पहला पढ़ना है एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर हमने दूसरा पढ़ना है, बच्चों बताओ क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड, और भाइयों हमें तीसरा क्या पढ़ना है, कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने कहा जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, उसको हमने दो पार्ट में फर्दर बांटा है। सेम एज इट इज, मैंने कहा जो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसको भी फर्दर दो पार्ट में हमने और बांटा। कौन कौन से वो दो पार्ट है जरा पढ़ लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो जो पार्ट है वो है आपके सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला पार्ट का नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे का नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इसमें क्या नाम है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जी बच्चों, हमें जो बांटा गया है एवरेज प्रॉफिट मेथड को दो कैटेगरी में बांटा गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला और एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला। सुपर प्रॉफिट मेथड को कोई भी कैटेगरी में डिवाइड नहीं करा। फिर कैपिटलाइजेशन मेथड जो हमारा तीसरा मेथड है उसको हमने दो कैटेगरी में फर्दर बांटा। वो फर्दर दो कैटेगरी कौन कौन सी है, फर्दर दो कैटेगरी में बांटा। तो बच्चों, एक एक करके हम चैप्टर को, कंसेप्ट को उठाते हैं। तो मेनली हमारे जो कंसेप्ट हुए वो पहला नंबर हमारा हुआ ये वाला, दूसरा कंसेप्ट ये हुआ,
तीसरा आपके पास ये हुआ, चौथा आपके पास ये, और पांचवा आपके पास ये। तो जब आप पांच चैप्टर कंसेप्ट कर लोगे तो हम ये चैप्टर को क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। तो हम अपना एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कितने मेथड है, वैसे तो तीन है पर फर्दर पार्ट करा जाए तो चार मेथड, पांच मेथड निकल के आते हैं। तो हम पहला मेथड अब पढ़ने जा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड किसे कहते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहला पार्ट पढ़ेंगे हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला पार्ट हम पढ़ना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, ठीक है जी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बच्चे उसमें क्या करना है मैं आपको बहुत अच्छे से बड़े प्यार से आपको समझाऊंगा, और आप मेरे साथ मेरे एग्जांपल सुनते रहे, और फिर हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी जाती है। तो आप मेरे साथ एक बने रहे और एक एग्जांपल सुने, एग्जांपल समझते हैं बेटा। आप मेरी बात जरा ध्यान से समझना, मिस्टर बी एक बिजनेस के ओनर है, मिस्टर बी एक बिजनेस के ओनर है बेटा। ओनर किसके है बच्चों? एक बिजनेस के ओनर है, मतलब इनका ये बिजनेस है मिस्टर बी का। हमने कहा बेटा ये जो ये बिजनेस है ये पहले से ही चला हुआ आ रहा है, नया नहीं है, पुराना है, पुराना बिजनेस। तो अगर हमने कहा अगर पुराना है तो इसको नाम दिया एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस है ये हमारा, ठीक है जी, एग्जिस्टिंग बिजनेस है। अब इस बिजनेस ने पहले से ही कुछ काम करा हुआ है, तो हमने कहा ये बिजनेस पहले से है तो हम इसका प्रॉफिट को मेजर कर रहे हैं, हमने इस बिजनेस का प्रॉफिट मेजर करा, हमने इस बिजनेस का प्रॉफिट मेजर करा। तो हमने कहा पहले साल इस बिजनेस को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, ठीक है। फिर पिछले 3 साल का प्रॉफिट है बच्चों, ये बिजनेस तो काफी टाइम से चला हुआ आ रहा है, पिछले 3 साल का प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा इसमें 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है दूसरे साल, और तीसरे साल ये प्रॉफिट बढ़कर 3.5 लाख रुपए का हो जाता है, ठीक है जी। तो यहां तक तो हमने बात करी कि पहले साल का मतलब पिछले साल इसने कमाया प्रॉफिट कितना, इसने कमाया प्रॉफिट 2 लाख रुपए का, 3.5 लाख का, और उसके पिछले साल इसने 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, और उसके पिछले साल इसने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया है। तो ऐसे ऐसे इसका प्रॉफिट हुआ करता था। अब मिस्टर ए भी ए आए यहां से, और मिस्टर ए ने कहा कि भाई मिस्टर बी मैं तुम्हारा बिजनेस को परचेज करना चाहता हूं, तो बताओ कितने रुपए का आप ये बिजनेस को बेचोगे, मुझे अमाउंट बता दो, बताओ आपकी एसेट्स कितनी है और लायबिलिटी कितनी है, मैं आपको उतना पैसा दे देता हूं और आप मुझे अपना बिजनेस दे दो। तो मिस्टर बी ने कहा कि भाई एसेट और लायबिलिटी तो ठीक है, सोचो मैंने इतने टाइम से इस बिजनेस में काम करा है और काम करके जो मैंने अपने कस्टमर बनाए हैं वो उससे आगे अब आपको बेनिफिट होगा अगर मैं आपका बिजनेस, अपना बिजनेस आपको बेच दूंगा। तो मिस्टर बी कह रहे ये बात कि अगर
मैंने आपको अपना बिजनेस बेच दिया, जो मेरी मेहनत पास्ट में है, पास्ट में जो मैंने अपनी मेहनत करी हुई है उसका जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड हो जाएगा फ्यूचर में। सही बात है या नहीं? पास्ट की मेहनत करी हुई अब किसको मिलेगा अगर बिजनेस बेच देगा? अब ये बेनिफिट किसको मिलेगा? मिस्टर ए को मिलेगा, क्योंकि बिजनेस तो उसके पास चले गया। तो कहा कि देखो भाई, पास्ट की मेहनत करी हुई मेरी, मिस्टर बी ने कहा कि मेरी जो मेहनत पास्ट में मैंने करी है उसका मैं पैसा लूंगा इन द नेम ऑफ गुडविल, गुडविल का पैसा लूंगा, क्योंकि अब मैं जो पास्ट में मैंने मेहनत करी है उसका बेनिफिट अब तुम्हें होगा, तो आप मेरे को गुडविल का पैसा भी दोगे। इसने कहा ठीक है, ये बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि अगर मैं कोई नया बिजनेस चालू करता हूं तो नया बिजनेस चालू करने पे मैं मानता हूं कि मेरा पहले साल में प्रॉफिट नहीं होगा और मुझे बनाया बनाया बिजनेस मिल रहा है, इसलिए आप गुडविल का पैसा लोगे। ठीक है, मिस्टर बी ने कहा देखो, अगर आप नया बिजनेस चालू करो और कुछ पैसा लगाओ तो आपको जितना मैंने प्रॉफिट कमा रहा हूं आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब पहले साल में तो आपको नो प्रॉफिट होगा अगर आप नया बिजनेस खोलते हो। ठीक है, तो इसको कहा कि अगर आप नया बिजनेस खोलोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? आपको नया बिजनेस खोलने पे जीरो प्रॉफिट होगा, क्योंकि शुरुआत में आपको क्या बनाने पड़ेंगे? कस्टमर बनाने पड़ेंगे। तो ऐसा करना कि अगर आप मेरा बिजनेस को खरीद रहे हो तो मुझे मेरी मेहनत का पैसा भी दे देना इन द नेम ऑफ गुडविल। मेहनत का पैसा किसके नाम पे देंगे? गुडविल। तो हाँ, तो मिस्टर ए ने कहा तो बताओ कितना पैसा दूं? तो ये मेथड आपको क्या बताएगा? उस मेहनत के पैसे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसने कहा कि देखो, मानो मिस्टर ए, मिस्टर बी ने कहा मिस्टर ए से, कहा कि अगर ये, अगर आप कोई नया बिजनेस खोलो और जितनी मैंने कैपिटल लगाई उतनी कैपिटल लगाकर अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको जीरो प्रॉफिट होगा, और अगर आप मेरा बिजनेस स्टार्ट करोगे तो देखो लास्ट साल मैंने कमाया था 3.5 लाख रुपए, तो आप लगता है इससे ज्यादा ही कमाओगे, मतलब 4 तक तो पहुंच ही जाएगा। तो मिस्टर ए कह रहे ऐसा ये भी तो है कि उससे पिछले साल आपने 1.5 लाख कमाया, 2 लाख कमाया है, तो इन दोनों में झगड़ा हो गया कि भैया 3.5 लाख रुपए कमाए के लास्ट साल, तो उससे पिछले साल भी देख लो भाई, उसने पिछले साल भी कम कमाया है। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि चलो सर ऐसा कर लेते हैं, एवरेज बेसिस पर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट मान लेते हैं, क्योंकि पिछले साल कम था और इस साल ज्यादा है, तो किसी साल कम हो रहा है किसी साल ज्यादा हो रहा है, तो हमने कहा एवरेज बेसिस पर प्रॉफिट मानते हैं कि हम हर साल ऑन एन एवरेज इतना तो कमा ही लेते हैं। तो हमने कैसे निकाला? 2 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस और 3.5 लाख। हमने कहा ऑन एन एवरेज 3 साल में मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, तो आप बताओ 3 साल में एवरेज करने के लिए 3 से डिवाइड, जितने आप आइटम प्लस करोगे उतने से डिवाइड होगा, तो हमने कहा ये आपका आ गया 6 लाख रुपए। अब 6 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 लाख रुपए। तो हम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑन एन एवरेज हर साल हम 2 लाख कमा ही लेते हैं, मतलब कभी 2 लाख कमा लेते कभी, मतलब ऑन एन अप्रोक्सीमेटली 2 अप्रोक्सीमेटली अमाउंट अप्रोक्स प्रॉफिट हम इतना पहुंच ही जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है। तो मिस्टर ने कहा ठीक है। तो कह रहे जी यही हुआ ना, आप अगर मैं आज बिजनेस स्टार्ट करूं तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा? मैंने कहा 0 होगा। मिस्टर ए कहने लगे अगर आज बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो 0 होगा, तो आप क्या बिजनेस लूंगा तो मुझे 2 लाख का प्रॉफिट होगा? तो आप 2 लाख रुपए ले लो भाई, और क्या करोगे, 2 लाख ही तो प्रॉफिट होगा। पर मिस्टर बी इसमें माने नहीं। मिस्टर बी कह रहे हैं कि देखो मिस्टर ए, अगर आप आज नया बिजनेस खोलते हो तो नया बिजनेस खोलने पे आपको क्या प्रॉफिट होगा? 0 प्रॉफिट होगा। पर मेरा अगर आप बिजनेस परचेज करोगे तो आपको हर साल 2 लाख प्रॉफिट होगा। मेरा कस्टमर एक साल में थोड़े ना जाएंगे, ये प्रॉफिट तो अगले साल भी होगा, अगले साल भी होगा, ऐसा तो आपका तो रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट हो रहा है। तो
तो मिस्टर ये कह रहे हैं कि बता दो आप ही कि ये प्रॉफिट कितने टाइम तक होगा आपके कस्टमर से, फिर मैं भी तो मेहनत करूंगा चौथे साल से तो मेरे भी कस्टमर बनेंगे। तो हमने कहा जो ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आप कमाओगे हर साल, ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आप ना पता है कितने टाइम तक कमाओगे, हमने कहा 3 साल तक ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मेरे कस्टमर से होगा। मेरे कस्टमर कौन कह रहा है? मिस्टर बी कह रहे हैं। मिस्टर बी कह रहे हैं जी ये 3 लाख का प्रॉफिट आप मेरे कस्टमर से कमाओगे और मुझे लगता है कि 3 साल बाद तक के बाद आप जो प्रॉफिट कमाओगे वो अपने कस्टमर से कमाओगे। तो हमने कहा 3 साल तक आप मेरे कस्टमर मतलब मेरी मेहनत से प्रॉफिट कमाओगे, मेरी मेहनत से। तो ऐसा करना जो मेरी मेहनत से प्रॉफिट आप 3 साल में कमा रहे हो वो मुझे दे देना। तो बताओ 1 साल में कितना कमाया हमने? 1 साल में कमाया बच्चे 2 लाख रुपए। तो हम 3 साल में कितना कमाएंगे? 6 लाख रुपए। तो हमने कहा गुडविल जो होगा वो 3 साल का क्या होगा? 2 लाख। तो हम 1 साल में कमा ले रहे हैं और ये 2 लाख उस पुराने कस्टमर के पुराने बिजनेसमैन के कस्टमर से 3 साल और कमाएंगे, इसलिए हमने कहा टोटल पैसा आप मुझे 6 लाख रुपए दे देना। सही बात है या गलत है? हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है भैया। कस्टमर जो पुराने हो चुके हैं वो इतनी जल्दी थोड़ी ना छोड़ कर जाएंगे, उसका मतलब वो 2 लाख रुपए 3 साल तक कमाएगा। क्लियर है जी? तो हमने गुडविल निकालना सीखा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बात, और ये इंपॉर्टेंट बात आप ये नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों ये जो 3 ईयर है इसको क्या कहा था हमने? इस 3 ईयर को इस 3 ईयर कहा था मतलब 1 साल में अगर 2 लाख का प्रॉफिट कमाते हो तो हमारे कस्टमर से ये 2 लाख का प्रॉफिट आप आगे आने वाले 3 साल तो कमाओगे, इसलिए हमने इसका नाम दिया नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज बच्चों क्या होता है? नंबर्स ऑफ ईयर परचेज हमने कहा हमारे कस्टमर से आप आगे 3 साल और कमाओगे। और ये बताए कैसे होता है? ये एस्टीमेट बेसिस पर निकाला जाता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कैसे निकाला जाता है? एस्टीमेट। ये आपको क्वेश्चन में या आपको गिवन होगा क्वेश्चन में हमेशा। तो हमने गुडविल निकालने के लिए एवरेज बेसिस पर क्या करा? हमने गुडविल निकालने के लिए एवरेज बेसिस पहले तो हमने करा भाई जितने साल का प्रॉफिट हमें गिवन है तो हमने उसका एवरेज निकाला। तो हमने स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप। हमने कहा जी स्टेप नंबर 1 आपका क्या है? स्टेप नंबर 1 में जाने के लिए आप क्या करना? सबसे पहले निकालना एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जितने साल का प्रॉफिट आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर उसमें क्या करना? मैंने कहा भाई आपको फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है, सेकंड ईयर का प्रॉफिट गिवन है और आपको थर्ड ईयर का प्रॉफिट गिवन है, तो और भी अगर गिवन होगा तो उसके बेसिस पर जितना ऊपर प्लस करना उतना ही नीचे नंबर डाल देना। अगर 3 साल का प्रॉफिट कम कराए तो 3 साल का कर देना, नहीं तो अगर 4 साल का प्रॉफिट ऐड कराए तो 4 साल कर देना। आया समझ में? तो हमारे केस में अभी इधर कितने साल का प्रॉफिट था बच्चों? 3 साल का था, 3 साल का मैंने आपको 3 साल का प्रॉफिट गिवन था। अच्छा सर दूसरे स्टेप में क्या करना? दूसरे स्टेप में जाना स्टेप नंबर 2 और आप गुडविल कैलकुलेट करना। गुडविल कैसे कैलकुलेट करना? पहले तो बताना कि आपने ऑन एन एवरेज हर साल कितना पैसा कमा लेते हो। तो हमने कहा भैया एवरेज प्रॉफिट निकालने की पर्पस यही था कि हम कितना पैसा कमाते हैं। तो हमने कहा ये जो पैसा आप कमाओगे पुराने बिजनेसमैन के कस्टमर की मेहनत से, तो वो पैसा आप कितने साल तक कमाओगे उसको हमने क्या बोला? नंबर्स ऑफ ईयर परचेज कहा। तो हमने कहा जब ऐसे करना हो तो निकाल देना, ठीक है? तो आपका क्या निकल आएगा? गुडविल निकल आएगा इस बार, ठीक है जी? आया समझ में आपको? ही नहीं आया समझ में? आ गया, ठीक। तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को फॉलो करना और आपको गुडविल निकाल देना, और हमारा कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आया। तो आपको समझ में आया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? ठीक। तो लो जी एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लो और जरा आप सॉल्व करके दिखाओ, मेरे से पहले सॉल्व करके दिखाना। मैंने कहा आपको 2017 का प्रॉफिट आपको गिवन है,
4 लाख रुपए, मतलब 2017 में 4 लाख रुपए प्रॉफिट कमाते हैं, 2018 में आपको प्रॉफिट इवन है 2 लाख रुपए का, 2019 में आपको प्रॉफिट गिवन है 3 लाख रुपए का, और 2016 भी लिख लेता हूं, 4 साल दे देता हूं इस बार, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट गिवन है। और इधर क्वेश्चन में ये भी बता रखा है आपको ये प्रॉफिट गिवन है पिछले 4 सालों का, और क्वेश्चन बता रखा है कि नंबर्स ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन है 2 ईयर, 2 साल तक आप ही पैसा कमाओगे। तो बताओ कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है बच्चों, सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो बच्चों स्टेप नंबर 1 में क्या निकालना था, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, पिछले 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करोगे और 4 से डिवाइड करोगे। तो बोलो 1 लाख रुपए प्लस 4 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए और प्लस 3 लाख रुपए, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जाएगा 4। तो बताओ कितना होता है, हमने कहा 4 और 1 5 और 3 तो 5, 10 लाख रुपए हो गया, 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 4, तो बताइए बच्चे कितना होता है, ये होता है 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। मतलब ये कंपनी ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमा लेती है बच्चों, ये कंपनी ऑन एन एवरेज 2.5 लाख रुपए कमा लेती है। कभी कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। तो हमने कहा बताओ गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखा था, गुडविल का फॉर्मूला लिखा था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। लो जी लो, नंबर्स ऑफ ईयर, एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला अभी कितना, एवरेज प्रॉफिट आपने अभी निकाला 2,50,000 रुपए इंटू कितना है 2, तो आपकी गुडविल कितनी निकल गई, 5 लाख। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।